नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के बारे में। कुंभ राशि वालों के लिए शनि का राशि परिवर्तन, गुरु का राशि परिवर्तन, राहु का राशि परिवर्तन और केतु का राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है, इन चार ग्रहों का प्रभाव कुंभ राशि पर कैसा रहेगा, कुंभ राशि वालों के लिए वर्ष 2023 कैसा रहने वाला है, क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, क्या सावधानी रखना होगा, क्या उपाय करना होगा, सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। साथ ही साथ आपके संपूर्ण क्षेत्रों पर हम चर्चा करेंगे, स्वास्थ्य पर, धन पर, शिक्षा पर, नौकरी पर, व्यापार पर, भाग्य पर, आय व्यय, विदेश यात्रा, प्रेम विवाह आदि, हम सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे शनि के राशि परिवर्तन के बारे में। शनि 30 वर्ष के बाद अपनी प्रिय राशि कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं। ऐसे में कुंभ राशि वालों के लिए ये लक्की टाइम रहेगा, सबसे जबरदस्त समय रहने वाला है, क्योंकि 30 वर्ष के बाद शनि अपनी प्रिय राशि में गोचर करने वाले हैं। कुंभ राशि को शनि प्रिय राशि मानते हैं और कुंभ राशि मूल त्रिकोण की राशि होती है। यहां पर शनि सुख की अनुभूति प्राप्त करते हैं, इसलिए कुंभ राशि वालों के लिए ये जबरदस्त समय रहने वाला है। शनि जिस भाव में गोचर करता है उस भाव के फलों में वृद्धि करने का काम करेगा। तो 17 जनवरी 2023 को मकर राशि को छोड़कर आपकी राशि कुंभ राशि पर शनि का गोचर होगा और कुंभ राशि वालों के लिए शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण प्रारंभ होगा 17 जनवरी 2023 से। शनि आपकी राशि पर गोचर करेंगे, लग्न में गोचर होगा तो स्वास्थ्य में वृद्धि करने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम और कॉन्फिडेंस देने का काम करेंगे। वही शनि यहाँ पर सस नामक राजयोग बनाएंगे और ये राजयोग जबरदस्त होता है, राजनीति के लिए, धन के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, विवाह के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, संतान के लिए, सभी के लिए जबरदस्त लाभ देने का काम करता है। तो सस नामक राजयोग कुंभ राशि वालों के लिए जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे, वही आपके नुकसान की भरपाई करने का काम करेंगे। कुंभ राशि वालों की मानसिक स्थिति में सुधार होगा और स्वास्थ्य भी यहां पर रिकवरी होगा, स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा। लगन भाव में शनि का गोचर, शनि की तीन दृष्टियां, तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव में, बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि, जब कुंभ राशि में शनि गोचर करते हैं तो दृष्टियां भी शुभ मानी जाती है, इस कारण से तीसरी दृष्टि तीसरे भाव में, बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे। सप्तम दृष्टि वैवाहिक जीवन के भाव में, विवाह आपका जो है वो दाम्पत्य जीवन का सुख आपको मिलेगा, विवाह के योग बनेंगे, वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया रहेगा। दशम दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ेगी, कैरियर आपका बढ़िया रहेगा, नौकरी में पदोन्नति, व्यापार में वृद्धि, कारोबार में मजबूती की स्थिति बनने के संकेत यहां पर दिख रहे हैं। तो शनि आपको 2023 में जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे और यह लाभ आपको 17 जनवरी 2023 के बाद होगा। बात करें गुरु के बारे में, गुरु का राशि परिवर्तन 22 अप्रैल 2023 को होगा। गुरु अपनी मीन राशि को छोड़कर मित्र के घर मेष राशि में गोचर करेंगे और यह गोचर आपके तीसरे भाव पराक्रम भाव में होगा। अप्रैल तक तो धन भाव में गोचर करेंगे तो धन की स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे, लेकिन 22 अप्रैल को जब पराक्रम भाव में जाएंगे तो बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे। वही पांचवी दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ेगी, जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था गुरु विवाह करवाने का काम करेंगे, दाम्पत्य जीवन जिन लोगों का खराब था मजबूत करने का काम करेंगे, दाम्पत्य जीवन की स्थिति को मजबूत बनाने का काम करेंगे। और वही गुरु की यदि हम सप्तम दृष्टि की बात करें तो भाग्य भाव में पड़ेगी, भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे, पिता के जो संबंध आपके खराब थे उन्हें जो है ठीक करने का काम करेंगे, नौकरी में पदोन्नति देने का काम करेंगे, व्यापार में भी वृद्धि करने का काम करेंगे। नवम दृष्टि गुरु की लाभ भाव में होगी,
लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे और आपकी इच्छाओं को पूरा करने का भी काम 22 अप्रैल 2023 के बाद गुरु करने वाले हैं। तो गुरु की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। प्रेम विवाह में सफलता दिलाने का काम, जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था तो विवाह भी करवाने का काम गुरु करने वाले हैं। तो गुरु 2023 में आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। बात करें राहु के बारे में, राहु का गोचर आपके तीसरे भाव में हो रहा है और ये होगा 30 अक्टूबर 2023 तक। उसके बाद राहु का राशि परिवर्तन होगा। 30 अक्टूबर 2023 को राहु मेष राशि को छोड़कर मीन राशि में गोचर करेंगे, लेकिन अक्टूबर तक राहु आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा, क्योंकि तीसरे भाव में राहु का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है। बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में लाभ पहुंचाने का काम। यदि आप सोशल वर्कर हैं या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो इन क्षेत्रों में जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। वही यदि आप सोलर का काम करते हैं या फिर जो है आप नेटवर्किंग से जुड़े हुए कार्य करते हैं तो भी आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। कम्युनिकेशन के क्षेत्र को मजबूत बनाने का काम करेंगे। वही प्रेम विवाह में संबंध जोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि पंचम दृष्टि इनकी सप्तम भाव में पड़ेगी, तो वैवाहिक जीवन भी आपका बढ़िया रहेगा, विवाह के योग बनाने का काम करेंगे। सप्तम दृष्टि भाग्य भाव में होने से भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, भाग्य में वृद्धि करने का भी काम यहाँ पर राहु करेंगे। आपके पिता के संबंधों को मजबूत बनाने का काम करेंगे। नवम दृष्टि लाभ भाव में, गुरु के ही साथ साथ नवम दृष्टि इनकी लाभ भाव में पड़ेगी, तो लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का भी काम करेंगे और आपकी इच्छाओं को पूरा करने का काम करेंगे। कई सारे स्रोत पैदा करने का काम करेंगे, धन के स्रोत पैदा होंगे और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। 30 अक्टूबर 2023 को जब राहु का राशि परिवर्तन होगा, धन भाव में राहु राशि परिवर्तन करेंगे, तो यहाँ पर राहु का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। धन खर्चा करवाने का काम करेंगे 30 अक्टूबर के बाद, क्लेश पैदा करने का काम करेंगे और वाणी आपकी उग्र हो सकती है, तो यहाँ पर भी विशेष ध्यान देने की आपको जरूरत रहेगी, लेकिन 30 अक्टूबर तक आपकी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। बात करें केतु के बारे में, केतु का गोचर आपके भाग्य भाव में 30 अक्टूबर तक रहेगा, तो भाग्य में सपोर्ट करने का काम, पिता का सहयोग भी मिलेगा, कॉन्फिडेंस देने का काम, स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा 2023 में, बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम, उच्च शिक्षा के योग बनाएंगे, प्रेम विवाह में सफलता दिलाने का भी काम करेंगे। तो केतु आपको जबरदस्त लाभ देने वाले हैं और ये आपको 30 अक्टूबर तक जबरदस्त लाभ देंगे, हर क्षेत्र में लाभ देंगे, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद केतु भी जो है नुकसान करने लगेंगे, गुप्त शत्रु पैदा करने का काम करेंगे और अध्यात्म में आपका मन नहीं लगेगा, ससुराल के संबंधों में कहीं ना कहीं जो है तकरार या मनमुटाव की स्थिति पैदा होगी। तो केतु भी जो है 30 अक्टूबर के बाद आपको लाभ नहीं देंगे, इसलिए ध्यान रखने की जरूरत है। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो 2023 कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जबरदस्त लाभ देखने को मिलेंगे। वही शनि की साढ़े साथी का दूसरा चरण आपका लाभदायक सिद्ध होगा। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।